हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए संदेश ऐप लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, यह आत्मनिर्भर भारत की अच्छी शुरुआत है, हमें इसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। चले, टाइम ही बर्बाद करते हुए मैं आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपना जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है संदेश APK डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे सर्च कर देंगे और आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि सबसे पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है गाइस, ज़रा एक सेकेंड। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए साइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर का लोगो भी है नीचे। आप ऊपर आएंगे, अगर आप एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं ऊपर वाले पर, और अगर आप एप्पल iOS के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसमें नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करना है तो गाइज़ हम फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे और ये डाउन होने के लिए आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके बाद इसे इंस्टॉल करने के बाद हम इसे चलिए ओपन करके देखते हैं। तो उसके अंदर किस तरीके से देते हैं, ये कुछ आपकी परमिशंस मांगेगा, आपको इसे अलाउ कर देना है। अच्छा, अब ये आपको वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से या अपनी ईमेल से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम इसे मोबाइल नंबर से वेरीफिकेशन करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। वेट करिए गाइस, ये थोड़ा सा ज़रा प्रोसेसिंग हो रहा है, OTP वेरिफिकेशन होने वाला है। चलिए, तो OTP कोड आने वाला गाइस, OTP कोड आ चुका है, अब हमने इसे वेरीफाई कर दिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं गाइस, ये सिंक करने के लिए कर रहा है, बोल रहा है। अगर आपको करना है आप सिंक कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस इस वक्त आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। थैंक यू गाइस, आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।